अरे बच्चों, आज हम थर्ड क्लास के इंग्लिश के लेसन फोर द मंकी एंड द एलिफेंट का थर्ड पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं। इस थर्ड पार्ट में वोकेबलरी में आज अलग अलग एनिमल्स की साउंड प्रोड्यूस करेंगे। बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है रीड द नेम्स ऑफ साउंड्स दैट एनिमल प्रोड्यूस। आपने दिए गए मतलब जानवर के नाम पढ़ने हैं और उनकी जो साउंड है वो आपने निकालने हैं। यहाँ पर एनिमल्स नेम लिखे हुए हैं इस तरह से, इस कॉलम में ये आगे साउंड लिखी हुई है। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं उनकी साउंड को और हिंदी में क्या कहते हैं। एनिमल एलिफेंट, मंकी, लायन, डॉग, कैट और काफ, ये एनिमल्स आपको दिए हुए हैं। एलिफेंट की जो साउंड होती है उसको इंग्लिश में हम ट्रम्पेट कहते हैं और हिंदी में इसे हम चिंगाड़ना कहते हैं। दूसरा जो एनिमल है उसको हम मंकी कहते हैं। इंग्लिश में इसकी साउंड को जीवर कहा जाता है और खीखी करना हिंदी में हम इसे कहते हैं। लायन, लायन की जो साउंड होती है उसको इंग्लिश में रोर कहते हैं और यहाँ पर हिंदी में हम इसे दहाड़ना कहते हैं। डॉग, जो डॉग की साउंड होती है उसको बार्क बोला जाता है, उसको हम भौंकना कहते हैं। जो नेक्स्ट एनिमल है वो कैट है। कैट आपने अपने आसपास भी देखी होगी, तो कैट की जो साउंड है उसको इंग्लिश में म्याऊ बोलते हैं और हिंदी में हम म्याऊ म्याऊ करना कहते हैं। इसी तरह से जो काफ है, काफ की जो साउंड है उसको हम ब्लीट कहते हैं और हिंदी में रंभाना कहते हैं। काफ जो होता है कैमल के बच्चे को भी बोलते हैं और जो गाय या भैंस होता है उसके बच्चे को भी काफ बोला जाता है। अब क्या करना है बच्चों, आपने इन एनिमल्स की साउंड प्रोड्यूस करनी है। जैसे डॉग जो है आपने देखा होगा अपने आसपास भौ भौ करता है और उसको हम बार्क बोलते हैं, इसी तरह से अब हम आपको इन एनिमल्स की एज पर सीरियल नंबर साउंड सुनाएंगे और आपने उन साउंड को सुनना है और उनके सुनकर पीछे पीछे उस तरह की साउंड आपने प्रोड्यूस करनी है। सबसे पहले हम आपको एलिफेंट की साउंड सुनाने जा रहे हैं। एलिफेंट, ट्रम्पेट, ध्यान से सुनिए बच्चों साउंड। अब सभी बच्चों ने हाथी की साउंड प्रोड्यूस कर ली होगी। अब आप नेक्स्ट एनिमल मंकी देखिए। मंकी की जो साउंड होती है इसको हम जिवर बोलते हैं। अब मंकी की साउंड सुनिए और उसके साथ साथ उसको आवाज़ निकालने का प्रयास कीजिए। अच्छा बच्चों, अब आपने मंकी की आवाज़ निकाल ली। अब आप लॉयन की आवाज़ को सुनिए जिसे हम इंग्लिश में रोर कहते हैं और हिंदी में दहाड़ना। आप इस आवाज़ को ध्यान से सुने और इसके साथ साथ इस आवाज़ को निकालने की कोशिश करें। अब बच्चों आप डॉग की आवाज़ सुनिए। डॉग की आवाज़ को हम इंग्लिश में बार्क बोलते हैं और हिंदी में भौंकना बोलते हैं। अब आप आवाज़ ध्यान से सुने और उस आवाज़ को निकालने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, अब आप कैट की आवाज़ सुने। कैट की आवाज़ को हम
इंग्लिश में म्याऊ कहते हैं और हिंदी में म्याऊ म्याऊ बोलते हैं। तो आपने कैट की आवाज़ सुननी है और उसके साथ उस आवाज़ को दोहराना है, उसको आवाज़ को एनिमल की साउंड प्रोड्यूस करनी है। ध्यान से सुने और आवाज़ निकालें। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट में आपको काफ दे रखा है। काफ की जो साउंड होती है उसको ब्लीट कहा जाता है। अब आप काफ की साउंड सुने और उसको निकालें। हिंदी में हम इसे रवाना भी कहते हैं। तो बहुत अच्छे, आप बच्चों ने सभी एनिमल्स की साउंड सुनी और प्रोड्यूस की। इस तरह से हमारा वोकेबलरी में एनिमल्स साउंड प्रोड्यूस करने का ये जो कार्य है पूर्ण हुआ। आप इस वीडियो को देखकर बार बार अपने घर में एनिमल्स की साउंड प्रोड्यूस करने का प्रयास करें। आइए बच्चों, एक्सरसाइज में आगे चलते हैं और कार्य करते हैं। आप बच्चों यहाँ पर स्क्रीन पर एक्सरसाइज में देख रहे हैं, एक ग्रिड बनी हुई है और ग्रिड में कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम ऊपर पढ़ते हैं, सर्कल नेम ऑफ द एनिमल इन द ग्रिड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यू मे चूज द नेम ऑफ एनिमल फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। आपने क्या करना है, जो ये नीचे ग्रिड जाली बना कर दे रखी है, इसमें जो अल्फाबेट दिए हैं इसमें से आपने एनिमल्स के नाम ढूंढने हैं और उनको सर्कल करना है, मतलब उनके ऊपर अपने घेरा लगाना है। एक आपको करके दिया हुआ है, नीचे हेल्प बॉक्स दे रखा है आपकी सहायता के लिए। हेल्प बॉक्स में एनिमल्स के नाम दे रखे हैं जो आप इसमें ढूंढेंगे, काव, लायन, एलिफेंट, कैट, मंकी, बुल, जेब्रा, हॉर्स। तो आप सबसे पहले, जैसे हमने यहाँ पर काव ढूंढा तो ये काव हो गया, उसको हमने ऐसे सर्कल कर दिया। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर ELEPHANT, एलिफेंट, तो इस पर हम सर्कल कर देंगे तो हमारे पास एलिफेंट मिल गया। इसी तरह से हम इसी तरह से नीचे चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलते हुए हम नीचे देखेंगे कि हमें और कौन कौन से लायन मिल गया है। यहाँ पर हमें LION लायन, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर आएंगे तो ये बुल हो गया, ये हमारा बुल, तो बुल। इस तरह से ये हमारे हो गए। इसी तरह हम इधर देखेंगे तो यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर है ZEBRA, ज़ेबरा, तो ज़ेबरा को हम सर्कल कर देंगे। इसी तरह आगे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कैट आ गया, CAT, कैट, और थोड़ा आगे चलते हैं तो HORSE, हॉर्स, तो इसको सर्कल कर देंगे। अब आगे देख ढूंढिए MONKEY, मॉन्की। तो आप देखिए हमारा काव हो गया, लॉयन हो गया, एलिफेंट भी मिल गया हमें, कैट, मॉन्की, बुल, ज़ेब्रा और हॉर्स। अब हमारा ये कार्य कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों, आज की जो क्लास थी उसका समापन यहीं करते हैं और आप सभी बच्चे जो हमने कक्षा में आज कराया है ऑनलाइन कक्षा में कार्य, उसको अपनी नोटबुक में करेंगे और लर्न भी करेंगे, और जो वो एनिमल की साउंड प्रोड्यूस करनी सिखाई है उसको भी प्रोड्यूस करेंगे, और जो ये एनिमल्स नेम है इनको भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इन एनिमल्स नेम को लर्न करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।